यहाँ पे होता है ना ऐसे करके लाइक बाहर निकल के आ जाता है अपने आप। यहाँ से काम करती है एक दो टीम, एक तीन से इल्यूमिनेशन के साथ देखने को मिलता है। हॉर्न बजाऊं तो भाई लगा दिया मैंने। 360 कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रिक सनरूफ आती है इसके अंदर, वेंटिलेटेड सीट्स घर के लिए, तो वो भी 50,000 रुपए अलग से डालोगे तभी आपको वो चार्जर देखने को मिलेगा। What is up guys? तो भाई वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, भाई दिस इज द न्यू टाटा पंच ईवी। यार आज ही इसका लॉन्च हुआ एंड द प्राइस इज एट लाइक समथिंग अराउंड 10.99 लाख से स्टार्ट होती है टू आपकी 14,49,000, लाइक 14,50,000 रुपए कुछ कह सकते हो आप। काफी वेल पैकेज एक गाड़ी में इसको बोल सकता हूँ। 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलता है, सनरूफ देखने को मिल जाती है, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह भी आपको इसमें देखने को मिलती है। अगर नेक्सॉन का बजट नहीं है ईवी लेने का तो भाई आप इसको कंसिडर कर सकते हो। टॉप मॉडल है इसका, ये यू कैन सी एलॉय वेलॉय, काफी एक सही सी प्रोफाइल देखने को मिलती है। आपको यही चाबी टाटा ऑफर करती है। इससे आपको क्या सीन है, यू सी DRL वगैरह आपके ऑन हो जाते हैं लाइक चाबी से ही। इसको दोबारा दबाता हूँ, DRL वगैरह आपके सारे बंद, प्रोजेक्टर वगैरह आपका ऑन ऑफ लाइक इससे ही कर सकते हो, ठीक है। ये चीज मिलती है। अब ये चीज चेक करो, स्मार्ट DRL आपको देखने को मिलता है, टाटा का लोगो वो यहाँ देखने को मिलता है फ्रंट में। यहाँ पर कैमरा भी आप यहाँ चेक कर सकते हो, काफी बढ़िया लगता है। इसको आप जैसे दबाते होती गाड़ी आपकी लॉक, जैसे आप लॉक करते हो लाइक अभी गाड़ी लॉक्ड है आपकी, अनलॉक करता हूँ तो सी भाई काफी कूल लगती है, बहुत सही है। और भी हम आपके अनफोल्ड हो गए, जैसे मैं लॉक करूंगा आपके लाइक अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं। कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, यू कैन सी कैमरा आपको यहाँ पर प्लेस है इसके अंदर, लुकिंग गुड। ईवी की ब्रांडिंग वगैरह यहाँ देखने को मिलती है, 16 इंचेस का अलॉय व्हील देखने को मिलता है, दीज आर डायमंड कट डिजाइन, ब्लैक आउट देखने लाइक डुअल टोन फील है, काफी सही लगता है। ए पिलर वगैरह रूफ चेक कर सकते हो, ब्लैक आउट देखने को मिलती है, इन द पियानो शेड लुकिंग गुड, कूल लग रही है काफी। रियर प्रोफाइल चेक करते हो तो यू आर सीइंग भाई LED वगैरह आपको टेल लैम्प भी यहाँ पे लाइक देखने को मिलते हैं इसके अंदर। अलॉय में लाइक पीछे भी डिस्क है, आगे भी डिस्क है, चारों डिस्क आपको भाई ये गाड़ी ऑफर करती है। यू कैन सी टाटा का लोगो यहाँ देखने को मिलता है आपको इसके अंदर, नंबर प्लेट यहाँ पे लगेगी एंड फ्रंट में कैमरा इधर प्लेस है आपका। ग्रिल वगैरह कुछ है नहीं होता, वैसे कोई ग्रिल इसमें नहीं है। जो इसका कलर है भाई, कलर काफी ज्यादा खूबसूरत सा लग रहा है। दिस इज द टॉप मॉडल Empowered Plus, ठीक है ना, ये टॉप मॉडल है Empowered Plus। तो गाइज ये जो मॉडल है ये टॉप मॉडल है Empowered Plus, टोटल 5 वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलती है। भाई पहला मिलता है स्मार्ट, उसका स्मार्ट प्लस, स्मार्ट प्लस के बाद आता है एडवेंचर, एडवेंचर के बाद आता है आपका Empowered, Empowered के बाद आता है लाइक आपका Empowered Plus, ठीक है। ये लास्ट मॉडल है, मतलब इससे ऊपर आपको पंच ईवी में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा भाई। अभी इसकी लॉन्चिंग लाइक सब चीज हो चुकी है। यू कैन सी आपको यहाँ पूरा DRL देखने को मिलता है, आपको ऑन करना है बटन दबाओ एंड यू सी DRL आपका पूरा ऑन हो जाता है, लेकिन इधर से लेकर स्वाइपिंग इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यू कैन सी दिस इज द LED प्रोजेक्टर, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, काफी सही लगता है। थ्रो इसका अच्छा है, नीचे की तरफ कॉर्नरिंग लैंप और फॉग लैंप दोनों चीज देखने को मिलती है। साइड प्रोफाइल पे आप जैसे ही आते हो यू कैन सी 16 इंच का अलॉय मिलता है, 195/60R16, 16 इंच का पहिया यहाँ लिखा हुआ है पूरा आपका। एंड यू सी डिस्क है, पीछे भी डिस्क है, चार नट है भाई लाइक 4 नट्स है। हब कैप पे आपका टाटा का लोगो, अपोलो का टायर है इसके अंदर, ब्लैक आउट ही ORVM, काले ORVM देखने को मिलते हैं आपको इसके अंदर, काफी सही चीज लगी। अनलॉक करता हूँ गाड़ी को, ये चीज चेक करो, केबिन भी बहुत अच्छा है भाई, नेक्सॉन ईवी से इंस्पायर्ड है। ऊपर सनरूफ अनरूफ देखने को मिलती है, यहाँ से सनरूफ को खोल सकते हो, इलेक्ट्रिक सनरूफ आती है इसके अंदर, वेंटिलेटेड सीट्स ये देख रहे हो भाई, यहाँ पे तो फैब्रिक है बट ये लेदराइट की अपोल्स्ट्री देखने को मिलती है। डायल वाइल सब चीज आ रही है, अभी सब चीज दिखाऊंगा अंदर से क्या चीज कैसे। पैसेंजर एयरबैग को आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो चाबी की हेल्प से ही, काफी कूल फीचर है। आपको साउंड की बात करता हूँ, ट्विटर यहाँ पर है, स्पीकर वहां पर है। रियर डोर को एक बार करता हूँ मैं ओपन तो यू कैन सी काफी वाइड है, 90 डिग्री तक आपका डोर ओपन होता है इसके अंदर। ट्विटर एरा स्पीकर है, 4 ट्विटर 4 स्पीकर, 8 का सेट देखने को मिलता है ऐसे करके बंद। भाई फील है भाई गाड़ी के अंदर, एक फील ना काफी अच्छा सा फील देखने को मिलता है। कैमरा ORVM पर प्लेस है इसके अंदर, जैसी गाड़ी को लॉक करूंगा ये चीज चेक करो, लॉक करते देख रहे हो कैमरा अलग सा निकल रहा है, बढ़िया लग रहा है। अनलॉक करते हैं ऐसे हो जाती है अनलॉक। कैबिन आप लाइक चेक कर सकते हो भाई, काफी लाइक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, लोग काफी ज्यादा लाइक देखने को आ रहा है इसके अंदर। ABS फ्लैशिंग वो सब चीज देखने को मिलती है। तो ईवी की ब्रांडिंग आपको एक डोर पर भी देखने को मिल रही है, टायर मैंने आपको दिखाई जिसके यहाँ क्या सीन है। एक बार गाइस रियर प्रोफाइल को चेक करवा दूं तो 50 लाख टाटा कार्ड यहाँ पे आपका लिखा विखा हुआ है पूरा इसके अंदर। जैसे इसकी लैंप्स को ऑन करता हूँ चाबी से दबाया लाइक, ये चीज चेक करो, पंच ईवी की ब्रांडिंग यहाँ देख सकते हो। टाटा का व्हाइट फिनिश में लोगो, वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटेना और इलेक्ट्रिक सनरूफ ऊपर से चेक कर सकते हो, काफी कूल लग रही है। बूट को ओपन करता हूँ, बटन को प्रेस करो एंड यू सी पंच ईवी की ब्रांडिंग आपकी यहाँ पे हो रही है। LED लैंप्स मिल रहे हैं फॉर द नंबर प्लेट,
यहाँ पे आपको भाई चार्जर वार्जर लाइक रखे हुए हैं इसके अंदर। दिस इज द लॉन्ग रेंज मॉडल, 421 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम कर रही है इसके अंदर। 60-40 स्प्लिट नहीं मिलता लेदराइट की सीट से, यू कैन सी ये चेक कर रहे हो, एड्रेस वगैरह सब चीज इंटीग्रेट है। पार्सल शेल्फ लग के आ रही है, बंद करना है तो भाई ग्रैब हैंडल यहाँ पर देखने को मिलता है, बंद करते हो एक बार में ऐसे करके लाइक सिंपली बंद हो जाता है। रिवर्स के अंदर आपको गाइस यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है इसके अंदर, एंड यू आर गेटिंग टू रिवर्स पार्किंग सेंसर, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर पीछे देखने को मिलते हैं। स्किड प्लेट काफी अलग से डिजाइन में है, एसी चेक करो, स्किड प्लेट अलग सी लग रही है। अलॉय व्हील बहुत खूबसूरत सा है, आप इसका देखते हो ना, इसका भी कुछ कुछ लाइक नेक्सॉन ईवी है, इसके से ही कुछ कुछ डिजाइन इंस्पायर्ड है। आप डिस्क चेक कर सकते हो, पीछे भी डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, टाटा की ब्रांडिंग वगैरह यहाँ देखने को मिल जाती है आपको इसके अंदर। एंड एक बार जब गाड़ी को मैं लॉक करता हूँ, ये लॉक करिए मैंने, तो यहाँ से इंडिकेटर देख सकते हो, लैंप्स को ऑन करता हूँ, लैम्प यहाँ से ऑन, और दोबारा से आप इसे दबाओ, नहीं यहीं से बंद हो जाता है, ठीक है ना। काफी सही सा लगा, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर वगैरह चीज देखने को मिलती है। बूट बूट मैंने आपको दिखा दी, एक बार गाड़ी का मैं हुड ओपन करता हूँ, तो एक बार आप हुड को चेक कर लो। इसके अंदर भाई आपको जो मोटर देखने को मिलता है, एक डुअल बैटरी पैक देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर, और आपको सनरूफ चाहिए भाई इस गाड़ी का, तो आपको एडिशनल 50,000 रुपीज लाइक कॉस्ट करने पड़ते हैं, तब आपको लाइक सनरूफ देखने को मिलती है। 7.2 किलोवाट का अगर चार्जर लोगे घर के लिए, तो वो भी 50,000 रुपये अलग से डालोगे तभी आपको वो चार्जर देखने को मिलेगा। यहाँ की बात करता हूँ, ये चीज़ चेक कर लो, तो आपका भाई यहाँ पे डैम्पिंग वैम्पिंग लगी है, ईवी की ब्रांडिंग वगैरह लाइक पूरा एम्बलम लगे हुए हैं, ईवीएस फ्लैशिंग यहाँ पर प्लेस है आपका, काफी वेल पैक्ड गाड़ी है। टाटा लाइक इज गुड भाई, वेट बहुत अच्छा है इसमें, वजन है ना काफी अच्छा वजन मिलता है। एक बार में लाइक ऐसे करके हो जाता है बंद आपका ये, इसके मैं भाई लाइट्स वगैरह आपको एक बार चेक करा दूं पूरा, कैसा फील है क्या चीज़ है। चाबी मेरे पास ये रही, चाबी को यहाँ पर रखते हैं, पुश बटन एक बार और दबाता हूँ, एंड यू सी क्लस्टर वगैरह सब चीज पूरा आ गया ना, लाइट्स ऑन कर दी, हाई बीम डाल दिया। आओ एक बार फ्रंट से लुक चेक करा दूं कैसा लगता है, तो यू आर गेटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल लुक भाई, काफ़ी कूल सा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। आप चीज़ चेक करते हो, आपको अगर इसको चार्ज करना है तो चार्ज कैसे करोगे, यहाँ से आपको इसका वेंट देखने को मिलता है, टच पैनल है अंदर, आप जैसे ही वहाँ पे टच करते हो तो आपका फ्रंट का जो वेंट है वो ओपन हो जाता है, लाइक वो यहाँ पे मिलता है आपको, जैसे मैंने उसको दबाया आपका वो जो वेंट है वो अब ओपन हो गया। ये चीज़ देखो, ये लाइक यहाँ पे होता है ना ऐसे करके लाइक बाहर निकल के आ जाता है अपने आप। चार्ज करना तो भाई यहाँ से आप चार्ज वार्ज कर सकते हो, सब चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। ऐसे बंद कर दो, ऐसे करके ये हो गया, लग गया लाइक, लॉक हो जाता है एक बार में, काफ़ी सही है। आओ गाइस एक बार अंदर बैठ के चेक करते हैं कैसी है क्या चीज़ है। वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं है, हाइट एडजस्टमेंट, ऐसे करके हाइट एडजस्ट कर लो, ऐसे नीचे कर लो, वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ से काम करती है, एक दो तीन, एक तीन स्टेप में काम करती है, वो वाली भी दोनों देखने को मिलती है। साइडिंग के टचेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं आपको। अंदर बैठता हूँ एक बार, स्टीयरिंग आपको भाई टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, काफ़ी सही फील है इसके अंदर। ब्रेक यहाँ पर है, डेड पेडल एक आपको लाइक यहाँ देखने को मिलता है, डेड पेडल दे दिया है, चलो सही है, ऑटोमेटिक टाइप एक गाड़ी है, दिस इज इन पार्क, ये देखना। हाँ भाई अब आया है रेडी लिख के, पार्किंग ब्रेक अप्लाइड, ठीक है ना। इसको नीचे करता हूँ मैं, ये आपका पार्किंग डिसएंगेज, ये रिवर्स जल गया आपका, और कैमरा देखना भाई 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलता है। डोर को लगाता हूँ एक बार, ये चीज़ चेक करो, ये आप डोर देख सकते हो भाई, लगा दिया मैंने 360 कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है। फ्रंट कैमरा, चारों तरफ कैमरा है, ओवरवीम में कैमरे लगे हुए हैं, 6 एयर बैग से इक्विप्ड है, ये न्यूट्रल है, डायल देख रहे हो क्या फ्यूचरिस्टिक सा है, ये न्यूट्रल है, ये ड्राइव है, ड्राइव में डाल दी मैंने, बढ़िया यार। सामने आप देख सकते हो, थ्रो व्रो देख पा रहे हो, यहाँ पे शीशे में देख रहा है, बाकी आपको इसको पार्क में डालना तो इधर कर दो, ये पार्क में डल गई, ठीक है ना। हैंड ब्रेक को इंगेज कर दिया, ये आपका स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेट, स्पोर्ट ड्राइव मोड, और ये इको है, ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ठीक है ना। नेक्सॉन जो ईवी में स्क्रीन आती है बड़ी वाली, कुछ कुछ वैसी स्क्रीन है, दो कप होल्डर है, वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिलता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपका यहाँ पर ऐसे करके खोल सकते हो, यूएसबी नॉर्मल सी टाइप मिलता है आपको, यूएसबी लाइक ए मिल रहा है यहाँ पर। स्क्रीन इज लुकिंग गुड, काफी सही साउंड है, हारमन का साउंड देखने को मिलता है, 4 स्पीकर्स, 4 ट्विटर देखने को मिलते हैं, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद द लेदर इंसर्ट्स यहाँ पे ऑफ कर दिया, ये चीज चेक कर रहे हो आप। ब्लैक इल्यूमिनेशन के साथ देखने को मिलता है, हॉर्न बजाऊं, ऑन काफी लाउड है, सारे टेलीफोनिक कंट्रोल्स, मीडिया कंट्रोल्स इधर देखने को मिलते हैं, यू आर गेटिंग नॉर्मल एमआईडी कंट्रोल्स, एमआईडी को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, टॉगल करना है तो यहाँ से टॉगल वॉगल कर लो, व्यू वगैरह यहाँ से देख सकते हो, टाटा का लोगो ब्लैक में देखने को मिलता है, ठीक है। गाड़ी को एक बार बंद करता हूँ मैं, यहाँ पे आप बटन को प्रेस करो, पूरा टेक द की आउट, वो सब चीज़ बताता है, एंड यू आर सीइंग लॉक वॉक का पूरा पैनल है। अभी एक बार दोबारा से स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको, डोर लगा यहाँ से, अब ये चीज़ चेक करना, बटन दबाता हूँ, ये देखना आप पूरा भाई फील देख रहे हो, ये लुक वुक लाइट वाइट सी जल गई यहाँ पे,
पूरा क्लस्टर भी कमाल का सा लग रहा है, बढ़िया लगा यार, फील इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत लाइट स्टीयरिंग व्हील है, इलेक्ट्रो ड्रिमिंग लाइक आपको इलेक्ट्रॉनिक इनसाइड रियर व्यू मिरर देखने को मिलता है, आपका ऑटो ड्रिमिंग है, ठीक है ना, एलईडी लैंप यहाँ देखने को मिल जाते हैं। सनरूफ की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक सनरूफ है, यहाँ से ओपन हो जाती है, यहाँ पे आपका पूरा पैक वैक लगा हुआ है, यहाँ से देख सकते हो, SOS के बटन है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपका कॉल वॉल का है, बंद करना है ऐसे करके बंद कर दो, काफी सही है, मतलब छोटी सी नहीं है, मतलब इतनी छोटी भी नहीं है, ठीक साइज है इसके अंदर। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स की बात करता हूँ तो भाई आपको काफी सही है यार, ये कूल्ड है क्या, हाँ भाई कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है विद द लैम्प इनसाइड एंड फिनिश इज गुड, बढ़िया लग रही है देखने के अंदर यार, आगे से तो सही सही सा हिसाब लगा, बढ़िया सी लग रही है गाड़ी, स्पीकर नीचे है, वो सब चीज, सीट भी देख सकते हो, साइड में फैब्रिक है, ये वेंटिलेटेड है, इधर से ऑन करना है इसको तो ये देख लो, यहाँ से दबाते हो एक बार तीन स्टेप में ऑन ऑफ कर सकते हो, ओके रिपोर्ट है। पैडल शिफ्टर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, हेडलाइट कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, एंड यू आर गेटिंग वाइपर कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इसका, ठीक है, ये पूरा टच पैनल है फॉर द एसी, फैन यहाँ से कर सकते हो आपको एसी लाइक टेम्परेचर को घटाना बढ़ाना वो यहाँ से आप घटा सकते हो, ये चीज चेक कर लो, टेम्परेचर यहाँ से घटा रहा हूँ तो टेम्परेचर आपका यहाँ से पूरा काम करता है इसके अंदर, आपको अगर इसका ओपन करना आगे फॉर द चार्जिंग सॉकेट तो यहाँ पे आप टच करते हो आपका वो लाइक चार्जिंग के लिए ओपन हो जाता है, दिस इज फॉर द फॉग लैंप्स, आप यहाँ पे प्रेस करते हो फॉग लैंप्स आपके यहीं से ऑन हो जाते हैं, लाइक इस बटन से काम करता है, हजार्ड लैंप इंडिकेटर्स यहाँ से चालू हो जाते हैं, टच पैनल है पूरा, काफी कूल लगा मुझे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, वायरलेस चार्जिंग पैड सब चीज दिखा दी, ऑटो होल्ड का फीचर, चाबी जो है आपकी फॉर द की, आप चाबी को लाइक यहाँ पे रख सकते हो, दैट इज गुड, ठीक है गाइस, चलता हूँ एक बार बैक सीट पे, कैसा फील है, क्या चीज है, तो भाई एक बार यहाँ पे बटन को प्रेस कर देता हूँ, गाड़ी कर दी मैंने बंद, ठीक है ना, एक बार चलते हैं बैक सीट पे, क्या चीज है दिखवा देता हूँ, तो भाई रियर डोर को ओपन करता हूँ मैं, एंड यू आर सीइंग काफी वाइड ओपन होता है, 6 एयर बैग से लोडेड है भाई गाड़ी, है प्रोफाइल चेक करो, बहुत सुंदर सी बढ़िया सी लग रही है, टॉप मॉडल है, लॉन्ग रेंज एम्पावर्ड प्लस, इससे ऊपर पंच ईवी में कुछ भी देखने को नहीं मिलता, रियर सीट कंफर्ट, आई वुड से यार नी रूम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, नी रूम इतना कोई खास नहीं मिलता, लाइक मेरे नीज पूरे टच हो रहे हैं, थोड़ी मुझे घुटन फील हो रही है बिकॉज भाई रूफ जो है ना गाड़ी की यहाँ से आप चेक कर सकते हो, मतलब मेरी बिल्कुल माथे के लेवल पे आ रही है, काफी लो आ रही है, रियर के अंदर आपको एसी के वेंट नहीं मिलते, चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है क्या पीछे यहाँ पे, नो भाई यहाँ पे पीछे कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता यार, पीछे एसी नहीं दिया भाई, पीछे एसी देना चाहिए था, आर्मरेस्ट वगैरह चलो तब दे रहे हो तो भाई एसी भी तो देना बनता था, आर्मरेस्ट तो आता है इसके अंदर, ठीक है यार, रूफ बहुत लो लगी थोड़ी मुझे, बाकी चीज लाइक इट्स अ गुड कार, काफी सही पैकेज है फ्रॉम टाटा, लेदर वेदर का फील काफी अच्छा लगा, लेदर इज गुड, बट यू सी नी रूम इज अ बिट कॉम्प्रोमाइज, आई एम अ 6 फीट टॉल गाय, 6 फुट मेरी हाइट है, तो नी रूम मुझे थोड़ा सा लाइक कम लग रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हैंडल्स वैंडल्स सब चीज, पार्सल शेल वगैरह देख लो, पीछे लाइक छोटा सा ही, बहुत दूर नहीं है बूट, जो डिग्गी है वो बहुत पास सी लग रही है, तो यार ये मेरी तरफ से भाई एक रिव्यू था इस गाड़ी का, ब्लैक रूफ शार्क फिन एंटीना वगैरह सब चीज से लोडेड है गाड़ी, काफी सही लगी, राइनो वाइनो बन रहे हैं यहाँ पे, लैंप एरा डिफॉगर एरा वाइपर सब चीज से लोडेड है, ठीक है, कैसी लगी भाई आपको, दिस इज द पंच ईवी लेटेस्ट लॉन्च है भाई, लाइक लोगों को काफी पसंद आ रही है, आज ही लॉन्च हुआ है भाई इस गाड़ी का, अगर आपको गाड़ी देखनी है नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अशोक ऑटो सेल्स पे आप चेक करने आ सकते हो, आपको नंबर वगैरह दिख रहे होंगे, मिलता हूँ गाइज अगले वीडियो के अंदर।